छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान तथा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत भटके हुए नक्सलियों समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के फलस्वरूप दो नक्सलियों ने एएसपी रामकुमार बर्मन के समक्ष डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं आत्मसमर्पित माओवादियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा टोन मराठो अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे प्रभावित होकर आज दंतेवाड़ा जिले में दो नक्सल सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें बेचापाल पंचायत डीएके में सदस्य मोतीराम कुंजाम और बेचापाल पंचायत सीएनएम सदस्य राजेश ओयाम शामिल हैं। उक्त माओवादियों का आत्मसमर्पण कराने में सीआरपीएफ 231वीं वाहिनी का विशेष योगदान रहा है और इसके साथ ही लोन मराठो अभियान के तहत अब तक 180 इनामी माओवादी सहित कुल 801 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक माओवादी को 25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन के सभी योजनाओं का लाभ भी इनको दिलाया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस बल दंतेवाड़ा का अपील है कि जितने भी ऐसे भटके हुए माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण करें और शासन की योजनाओं का लाभ लें।